एवरीवन, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, होला टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकेंड कॉफी विद हरप्रीत। सो इफ यू आर न्यू कनेक्टेड ऑन माय दिस सेशन, सो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि ये जो सेशन होगा, ये एवरी संडे आई अपलोड समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग फैसिनेटिंग यू एंड समथिंग लाइक यू एंड ए और सम चिट चैट एटसेट्रा। So if you are new on my channel, just do subscribe and like and also share with your friends and family. In this session, I discussed about positive thinking. So सकारात्मक सोचना, जिसे कहते हैं कि आपको पॉजिटिव सोचना है तो कैसे सोच सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई भी स्टोरी नहीं बताऊँगी, यहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसके पांच एक टिप्स दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग? सो पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ मेंटल एज वेल एज इमोशनल सपोर्ट, मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड ऑफ योर स्पिरिट, ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो सकारात्मक सोचना एक हमारा इमोशनल और साथ ही हमारा जो मेंटल है, यानी दिमागी तौर से हम क्या सोच रहे हैं, उसको ये मजबूत करता है, उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। सो ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग, जो कि मैंने आपको बिल्कुल एक दो लाइन में समझा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो नेक्स्ट पार्ट इज कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रखनी है। ओके जी, सो हाउ डू वी स्टे इन अ पॉजिटिव स्टेट और हाउ डू वी थिंक इन अ पॉजिटिव स्टेट? पे कोई स्टोरी शेयर नहीं करूंगी आपके साथ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल थिंग्स बता रही हूँ और कुछ काम बता रही हूँ जो कि आप करो तो आप पॉजिटिव जिंदगी व्यतीत कर सकते हो, यानी कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग वाली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग, पहले तो ओवर थिंकिंग करना छोड़िए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सोचना छोड़िए, जो कि हर इंसान सोचता है कि हमको ये चाहिए ये चाहिए, ये छोड़ना छोड़िए, ये सोचना छोड़िए। और उसके बाद सेकेंड टिप इज कि हमने तो चलो सोचना भी छोड़ दिया, अब बात आती है कि हम पॉजिटिव कैसे सोचें। सो पॉजिटिव सोचने के लिए आपको हर चीज़ में नेगेटिव को पहले भूलना पड़ेगा। जहाँ पे आपको लगता है कि ये काम नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे आप सोचें कि ये काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोच लेना, पर ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। सो सेकेंड टिप मेरी यही है कि हमेशा जब भी सोचो तो हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो, ना कि नेगेटिव ढूंढो। ओके, सो थर्ड टिप इज कि अपने आप को सुकून से रखो, अपने आप के अपने अंदर पेशेंस रखो, सब्र रखो। और कुछ भी काम, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी आपके गोल है, वट एवर इट इज़, या फिर कोई आपका ऐसा है कि जो पार्ट आपकी लाइफ में आपको चाहिए बट नहीं है आज, तो उसके लिए आप वर्क करना शुरू करो। इंस्टेड ऑफ आप उसे डोमिनेट करना शुरू कर दो, अपने आप को या उस काम को या किसी लोगों को, है ना। तो ये थर्ड पॉइंट है मेरा कि अपनी मंजिल की ओर बढ़ना तो शुरू कीजिए, पर सेकंड और फर्स्ट पॉइंट को लेकर कीजिए। सो नाउ फोर्थ पॉइंट, सो फोर्थ पॉइंट इज जब भी आपको ऐसा लगता है, ये एक्चुअली ना ये सभी के साथ हो जाता है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको समझ आ गया है, तो जो ये फोर्थ पॉइंट है ये इन्हीं से मिलता जुलता है। क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो हमारा मेंटल स्टेट एज वेल एज हमारा इमोशनल जो पार्ट है, इमोशनल जो स्टेट है, वो स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो किसी के लिए इमोशनल मत हो जाओ, या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मत सोचने लग जाओ, चाहे वो आपका कोई भी काम है या फिर आपकी कोई ड्रीम जॉब है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए इतना भी ज़्यादा मत सोचने लग जाओ कि आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओ कि जहाँ पे आप बिल्कुल भी पॉजिटिव ना सोच पाओ। तो यहाँ पे ये बात ध्यान से समझने की है कि अपने आप को अगर आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रखना है, सो उन चीज़ों के साथ जोड़ो अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली लाइफ में, जिन चीज़ों से आपको सुकून हासिल होता है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स अगर दूँ तो आपको जो जो पसंद है, लाइक अगर आपको इंडोर गेम्स पसंद है, आउटडोर गेम पसंद है, अगर आपको मोबाइल पे रहना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट इन पर्टिकुलर टाइम आप जैसे अपनी लाइफ में हमेशा एक ब्रेक लेते रहो, इंजॉय योर लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है और उसको अच्छे से जीना आपका कर्तव्य है। सो नाउ माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ने भी फोर पॉइंट्स बताए वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, यानी कि आप उस पर इम्प्लीमेंट भी करो। बट फिफ्थ पॉइंट इज आपको
अपना स्टैंड रखना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आप किसी से लड़ने लग जाओ या ऐसे करो, नहीं। अगर आपको कहीं पर लगता है कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल फॉर डूइंग समथिंग देन डू, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर डूइंग समथिंग देन डू इट। तो पॉजिटिव थिंक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये भी आता है कि हम दूसरों के हिसाब से ना जिए, अपने ही हिसाब से जिए और अपने लेवल पे जिए, क्योंकि आपको अपने लिमिटेशंस का पता है और आपको ये भी पता है कि आपको कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है। ओके गाइज, सो ये थे मेरे आज के 5 पॉइंट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, लाइक, और इफ़ यू आर न्यू तो देन सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को इतना मेरा बकबक सुन रहे हैं, सो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। और अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट संडे और वीकेंड कॉफी विद हरप्रीत में आप सभी के साथ, वहाँ पे भी कुछ बातचीत करेंगे। और इंस्टाग्राम आईडी में दे दूँगी, आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पे उनको लिख सकते हैं। और साथ ही मैं एक और बात मैं आपको यहाँ पे बोल देती हूँ कि डेली में मैं अपना कुछ ना कुछ शूट करती रहती हूँ, यानी कि जो डेली में मैं काम करूँगी या फिर कुछ भी इंटरेस्टिंग जो भी मेरे को लगता है मैं कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू गाइज, बाय बाय।